हर मेकअप प्रोडक्ट का एक रोल होता है। हम लोग मेकअप ऐसे ही नहीं कर देते कि फाउंडेशन हाथ में मला और हो गया मेकअप। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोगों के मेकअप जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, और हर प्रोडक्ट का ऐसे ही नहीं हम लोग यूज करते। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन सब प्रोडक्ट का एक 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 रोल होता है। जैसे हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं विद स्किन प्रेप। स्किन प्रेप से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्किन प्रेप में सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? यस, यू आर राइट, मॉइस्चराइजर। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉइस्चराइजर? आई वॉन्ट एवरी वन प्लीज स्टार्ट राइटिंग इन योर कॉपी। जो मैं आपको मेकअप लिस्ट बता रही हूँ उसकी मैं आपको थ्योरी भी दूंगी, लेकिन आप इसको जो नोट्स मैं बता रही हूँ मॉइस्चराइजर से स्टार्ट करते करते जितने भी प्रोडक्ट है, हम उसके सिंपल शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, ताकि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात लिखेंगे, ताकि एकदम से वो प्रोडक्ट पढ़ते ही आपको समझ आ जाए इसका ये रोल है, राइट? तो सबसे पहले हम आते हैं मॉइस्चराइजर पे। मॉइस्चराइजर का क्या रोल है? मॉइस्चराइजर इज बेसिकली टू मॉइस्चराइज आर स्किन, टू स्मूथ आर स्किन। अब अगर मैं बोल रही हूँ टू स्मूथ आर स्किन, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन कि मैम वी कैन यूज मॉइस्चराइजर एज अ प्राइमर ऑल्सो? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टोटली नो, बिकॉज मेकअप प्राइमर इज बेसिकली मेड टू स्मूथ आउट द स्किन, टू प्रिपेयर अ बेस फॉर फाउंडेशन, टू प्रिपेयर अ बेस फॉर मेकअप। जैसे हम लोग दीवार पेंट करते हैं तो उसको पहले प्राइमर करते हैं, उसी तरीके से जब हम लोग मेकअप करते हैं तो हमें फेस को प्राइम करना है टू स्मूथ आउट, ताकि जो हम लोग कलर लगा रहे हैं, ब्लश लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं, आई शेडो लगा रहे हैं, वो प्रॉपरली उस पर सेट हो जाए। सो मेकअप प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मेकअप प्राइमर इज यूज टू मेक अ क्रिएट अ बेस फॉर मेकअप एप्लीकेशन, एंड मॉइस्चराइजर इज यूज टू हाइड्रेट द स्किन। टू इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेटेड विद मॉइस्चराइजर। फर्स्ट, इट स्मूथ आउट द स्किन सरफेस सो दैट वी कैन इजिली अप्लाई आवर फाउंडेशन और कंसीलर। अगर रफनेस होगी तो फाउंडेशन, कंसीलर, जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो उसको ब्लेंड करने में, एब्जॉर्ब करने में, अप्लाई करने में प्रॉब्लम रहेगा। सेकेंड, इट हाइड्रेट द स्किन अंडरनेथ योर सरफेस टोन। हाइड्रेट कर देता है अच्छी तरह स्किन को, सो दैट आफ्टर मेकअप योर स्किन लुक रेडियंट। मेकअप लगाने के बाद मॉइस्चराइजर का ही रोल होता है, जो आपका मेकअप, हम लोग बोलते हैं कि हमारा मेकअप ग्लो कर रहा है, अच्छा लग रहा है, उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है स्किन प्रेपरेशन का। अगर आपने स्किन प्रेपरेशन अच्छा नहीं किया, मॉइस्चराइजर अच्छा अकॉर्डिंग टू स्किन नहीं लगाया, तो आपका स्किन जो मेकअप है वो अच्छा नहीं लगेगा। जो हम बोलते हैं क्रैकी हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, या फिर मेकअप फट गया, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मॉइस्चराइजर एंड स्किन प्रेप। अगर आपने मॉइस्चराइजर, अगर बहुत ड्राई स्किन है, आप मॉइस्चराइजर में ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, फेस ऑयल। ऑयली स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना है जेल बेस्ड, ताकि ज्यादा ऑयल ना आए। अगर विंटर्स है तो आप जो ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर है वो भी ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हो, इतना ज्यादा मैटर, फर्क नहीं आएगा। बिकॉज बहुत ज्यादा विंटर में एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है तो वो ऑब्वियसली मेकअप को और अच्छा रेडियंट करेगा। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है, विंटर्स है, तो आप मॉइस्चराइजर नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए लगा सकते हो। और अगर समर्स है तो यू हैव टू टेक केयर, आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना है और ऑयली मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं लगाना है। जो मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लिए बना है वो बिल्कुल नहीं लगाना है इन समर्स, ठीक है? और आपको फेस ऑयल लगाना है, हाइड्रेशन ऑयल लगाना है, ये सब चीजें आपको फाउंडेशन से पहले, प्राइमर से पहले लगाना है। वी विल ऑल्सो कम टू प्राइमर आफ्टर दिस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। क्या रोल है मॉइस्चराइजर का, एक मैं क्विक रिविजन कर लेती हूँ आपके साथ। मॉइस्चराइजर का जो रोल है, इट्स स्मूथ स्किन सरफेस फॉर मोर इवन फाउंडेशन और कंसीलर एप्लीकेशन। सेकेंड, हाइड्रेट स्किन अंडरनेथ मेकअप विल हेल्प स्किन टू लुक रेडियंट। अप्लाइंग फाउंडेशन ऑन ड्राई स्किन कैन कॉज इट टू केकी। अब मैं आपको एक क्विक टिप भी बता देती हूँ, जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे उसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए रहने दीजिए बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन, ताकि वो स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अदरवाइज यू कैन मेस एवरीथिंग, कहाँ मॉइस्चराइजर है, कहाँ हमने फाउंडेशन करा था, वो सब मिक्स हो गया और इफेक्ट इतना आ नहीं रहा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आता है, दैट इज कैन वी मिक्स मॉइस्चराइजर विद फाउंडेशन। आंसर टू दिस, यस।
आप फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर मिक्स कर सकते हो। अगर आपका 1/3 मॉइस्चराइजर है तो 2/3 फाउंडेशन होना चाहिए। बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, बहुत स्किन स्मूथ लगेगी, बहुत हाइड्रेटेड लगेगी आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप। इसका रोल टोटली डिफरेंट है। जो हमने अभी डिस्कस किया कि हम लोगों को थोड़ा गैप रखना चाहिए मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन में, पहले मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए और फिर फाउंडेशन, उससे क्या होगा आपकी स्किन स्मूथ होगी। और अगर हमने मॉइस्चराइजर फाउंडेशन में मिक्स कर लिया तो उससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा, थोड़ा ब्लेंडेबल हो जाएगा, तो वो फेस पे लग के अच्छा लगेगा। जब आप उसे फेस पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर तो वो इजीली ब्लेंड होगा, स्मूथ लगेगा, तो वो आपका रिजल्ट अच्छा देगा। उसको बिल्कुल भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। उसका रिजल्ट अलग होता है जो हम लोग पहले मॉइस्चराइज करते हैं, फेस ऑयल लगाते हैं और उसके बाद फाउंडेशन लगाते हैं। और हम फाउंडेशन में अगर मॉइस्चराइजर मिक्स कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अलग होगा, वो आपका फाउंडेशन एप्लीकेशन में हेल्प करेगा। मैं आपसे यही बोलूंगी, आप एक दिन फाउंडेशन लगाओ, फेस ऑयल लगाओ। अगर ड्राई स्किन है, नहीं है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाओ, उसको 5 मिनट स्टे करने दो और उसके बाद फाउंडेशन लगाओ। सेकेंड डे आप फाउंडेशन में मॉइस्चराइजर मिक्स करके लगाओ। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमने करनी है। यही चीज मैं आपको इस ऑनलाइन क्लासेस में सिखाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एकेडमी जाएंगे और तभी हम ये सीखेंगे। वहां पे भी हमने ही प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पे भी हमने ही प्रैक्टिस करनी है। तो करने वाले सिर्फ हम ही हैं, तो इट्स बेटर कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो और बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और बहुत ज्यादा एकेडमीज जाते हैं तभी हम सीख पाते हैं। तो मैं एट द लास्ट, मुझे पता है आप लोगों के बहुत अच्छे ब्यूटीफुल कमेंट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे रेटिंग्स मिलने वाली है, रिव्यूज मिलने वाली है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ। और एट द लास्ट जब ये कोर्स खत्म होगा और अगर अभी भी आपको अच्छा लग रहा है, आप अभी भी रिव्यू दे सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट में, फेसबुक में, अगर आपको लगता है कि आपने मेरे से कुछ सीखा। और अगर मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा कि मैं घर बैठे बैठे ही आप लोगों को प्रोफेशनल एक्सपर्ट कर दूं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो सब मैं आपको सिखा दूं। तो चलते हैं, बातें नहीं करते, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टोनर। टोनर का क्या रोल है आप बताओ? टोनर सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्वियसली टोनर मॉइस्चराइजर से पहले लगता है। एनी गेसेस? थोड़ा सा आपको भी सोचना है ताकि उसके बाद आप क्रॉस कनेक्ट कर लो कि हाँ मेरा ये था व्यू और मैंने ये बताया। तो टोनर का जो रोल है वो बस ये है कि वो आपका जो पीएच बैलेंस है स्किन का उसको मेंटेन करता है। आपकी स्किन अच्छी रहती है, उसका स्मूदनेस से, हाइड्रेशन से कोई मतलब नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर स्किन बेनिफिट, फॉर गुड स्किन, फॉर गुड स्किन हेल्थ। एंड वेन वी अप्लाई टोनर इट ऑल्सो हेल्प अस टू रिमूव डेड स्किन सेल। जब हम लोग टोनर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उसको कॉटन से या टिश्यू से रब करते हैं तो डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो भी रिमूव होते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प टू शट योर पोर्स, क्योंकि जब हम क्लिंजिंग करते हैं तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। चाहे आप फेस वॉश करो, स्क्रब करो, कोई भी फेशियल टिश्यू से आप क्लीन करते हो फेस, तो जो आपके पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, वो ओपन ही रह जाते हैं, उसमें डर्ट घुट सकती है, या आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं, फाउंडेशन या कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके पोर्स में जाता है, पोर्स से वो अंदर स्किन की लेयर में चला जाता है। तो टोनर लगाने से जो आपकी स्किन की लेयर है, जो पोर्स है, वो बंद हो जाते हैं। आप कुछ सोचो, जब स्किन के जो पोर्स बंद हो जाएंगे तो दैट इज रियली वेरी गुड फॉर योर स्किन। पीएच बैलेंस इसी तरीके से मेंटेन होता है। सो टोनर का यही रोल है, पीएच बैलेंस मेंटेन होता है, डेड स्किन सेल रिमूव होते हैं और आपके जो पोर्स हैं वो शट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं पोर। उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट वो टोटली आपकी स्किन पे लगेगा, इट विल नॉट गो इनसाइड योर स्किन लेयर। तो ये सब तो हम बात कर रहे हैं स्किन प्रेप के प्रोडक्ट्स की, ठीक है, सीटीएम की। और उसके बाद सीटीएम में एक प्रोडक्ट और आता है, अंडर आई क्रीम। वो भी सेम मॉइस्चराइजर जैसा रोल है, वो भी आपकी स्किन को यहाँ से हाइड्रेट करता है और जो आप कंसीलर लगाते हो वो भी आपका स्मूथ करता है कंसीलर एप्लीकेशन को। नेक्स्ट हम आते हैं लिप बाम। लिप बाम बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, नेवर स्किप लिप बाम। मैंने भी अभी लिप बाम लगा के ही लिपस्टिक अप्लाई करी है और मुझे बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, स्मूथ फील हो रहा है, सॉरी।
थोड़ा मुझे ही कोल्ड है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, लिप बाम को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज लिप बाम आपके लिप्स के लिए, लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने भी अभी लिपस्टिक लगाई है, उससे पहले लिप बाम लगाया है, मुझे बहुत सॉफ्ट और स्मूथ फील हो रहा है। इवन जो क्रैक्स हैं वो भी लिप बाम से थोड़ा भर जाते हैं। सो लिप बाम में ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें SPF भी होता है, विच कैन प्रोटेक्ट योर लिप्स फॉर 2 आवर्स, राइट। और उसमें थोड़े ऐसे इंग्रेडिएंट डले होते हैं, मैं आपको नाम बताती हूँ, दैट इज लेनोलिन एंड पेट्रोलेटम। These two ingredient are filled in lip balm, जो आपके lips को heal करने में, अगर बहुत ज्यादा crack है तो heal करने में help करता है और smooth out करने में help करता है। Okay girls, after CTM क्या आता है हमारा process makeup में? Third step जो आप लिखे, everything should be note down in copy and you are going to send me the copy screenshot on my WhatsApp, on our groups and on our Insta ID, DM, Instagram ID आपको मेरा पता ही है, शालिनी सेठ के नाम से है, आप उसको फॉलो करोगे, मुझे DM करोगे, मुझे WhatsApp करोगे, हमारे ग्रुप्स में सेंड करोगे। तो ये सब screenshots मुझे आपके चाहिए कि आर यू राइटिंग दिस नोट्स। मेरी मेहनत, जो मैंने इतना मेहनत से आपके लिए कोर्स बनाया है ताकि आप लोग, मेरी जो गर्ल्स है वो बिल्कुल, बॉयज भी इवन, ट्रेंड हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, तो उसको आपने मेरे साथ देना है, वो इसी तरीके से देना है। मेरी मेहनत तभी सक्सेसफुल होगी जब आप लोग मुझे बताओगे कि आपने मेरे से ये सीखा, आप मुझे रिव्यूज दोगे और मुझे अपना काम दिखाओगे, मुझे पोर्टफोलियोज भेजोगे, तब आई वुड बी सक्सेसफुल इन व्हाट आई हैव इंटेंडेड टू डू एंड व्हाट आई हैव टेकन इनिशिएटिव फॉर, देन ये जर्नी थोड़ा सक्सेस पे आएगी। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है प्राइमर। CTM के बाद आता है प्राइमर।